तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो आपको पता है यार, ये जो सीरीज है हमारी, आपके सवाल और हमारे जवाब, यानी मेरे जवाब, उसका सेकंड एपिसोड है। और आज हमारे साथ है गणेश जी, भूपेंद्र जी एंड हर्ष जडेजा। हर्ष यानी यार, जडेजा का नाम तो बड़ा फेमस है क्रिकेट, इंडियन क्रिकेट टीम में, तो भाई अच्छा लगा। तो हाँ, तो भाई सबसे पहले जैसे कि ये सीरीज है, आपको पता है यार, काफी सारे लोग है जो कनेक्ट होना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, लेकिन टाइम नहीं मिल पाता, तो इसीलिए ये सीरीज मैंने स्टार्ट किया। तो गाइस, वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि जो कॉमन क्वेरीज होती है वो आपको इसी एक लाइक जो वीडियोस हैं, कॉमन क्वेरीज हैं, उनसे मिलती है। तो लास्ट तक देखना। और अब जो है, मैं रिक्वेस्ट करूँ यार, गणेश जी थोड़ा सा अपने बारे में बता दीजिए, कहाँ से हो, क्या है, कैसे ज्वाइन हुए, कितने टाइम हो गया आपको, ये सारी चीजें। सर, मैं महाराष्ट्र में से हूँ, रत्नागिरी। और मैं इंडियन आर्मी में जॉब करता हूँ। और मैंने पिछले एक साल से ट्रेडिंग, मतलब पिछले बार मैंने एक बार किया था ओलंपिक में, तो उसमें मैं लॉस हो गया था। तो मेरे को ये लगा कि ये और रियल पेमेंट हैक लेते हैं और मतलब पेमेंट को ये कर लेते हैं पूरा का पूरा। फिर मैंने आउट हो गया, फिर मैं वाला कुछ करना चाहिए, फिर दोबारा ज्वाइन हुआ। तो आपको मैं 2 महीने से कर रहा हूँ, आपकी पूरी वीडियो देख रहा हूँ 2 महीने से। और मैंने अभी आपके अकाउंट से ये लॉग इन करके, मैं बहुत दिनों से लॉगिन कर रहा था आपके अकाउंट में, पर ये नहीं पता था कि ईमेल आईडी नहीं बनाने के साथ साथ नया मोबाइल नंबर भी ऐड करना पड़ता है। मैं पुराना मोबाइल नंबर के साथ ही ऐड किया था। नहीं, पुराना ईमेल जो पुराना नया ईमेल आईडी है, बिल्कुल सही होता है यार इसके लिए। एक्चुअली क्या ना, पुराना ईमेल आईडी से काम नहीं करेगा, और नया मोबाइल नंबर भी चाहिए होता है, क्योंकि आपका जो मोबाइल नंबर होता है ना, वो पुराने अकाउंट में अगर है, और अगर पुराने अकाउंट को आप बंद करवा देते हो ना, क्लोज करवा देते हो, डिसेबल करवा देते हो, तो चल जाएगा। तो न्यू अकाउंट में आप सेम यूज कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर सकते, ये आता है इशू। तो लोग क्या करते हैं ना, सपोज कीजिए किसी के पास सिर्फ एक ही मोबाइल नंबर है, तो वो क्या करते हैं कि आपका एक मोबाइल नंबर है तो आप ओलिमटेड से कॉन्टेक्ट करके उसको डिसेबल करवा दो, और दूसरा जो अकाउंट है, दूसरा अकाउंट क्रिएट जब आप करोगे, उसमें वही मोबाइल नंबर यूज कर लो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है इससे। तो महाराष्ट्र में तो अभी काफी ज्यादा केसेस आ रहे हैं कोरोना के, राइट? बिल्कुल, हमारा तालुका ही बचा हुआ है कोरोना वायरस से, बाकी रत्नागिरी के सारे तालुका हो गए, हमारा तालुका बचा हुआ है, जिसमें अभी तक एक पेशेंट भी नहीं है कोरोना का। अरे अरे, बहुत अच्छा लगा कि गवर्नमेंट जॉब, लाइक गवर्नमेंट जॉब आप करते हो, लाइक अच्छा सर्व करते हो कंट्री को, एंड इवन तो आप हमारे चैनल को देखते हो और ये सारी चीजें में इंटरेस्ट रखते हो। यार, आपका एक जो आपने चीजें पूछी थी गणेश जी, वो मैं आपको बताना चाहूंगा, और भूपेंद्र और हर्ष मैं आप पे भी आऊंगा यार बिल्कुल, पहले गणेश जी से बात करते हैं। तो गणेश जी, जैसा कि आपने बोला कि पहले आपको लगा था डेमो में आप विन करते हो और लॉस कर गए थे रियल में जाके, तो यार एक्चुअली क्या होता है ना, ये जो ब्रोकर्स होते हैं ना, ये भी पैसा कमाने के लिए वहां पर बैठे हैं, उनको पता है लोगों की साइकोलॉजी क्या होती है। तो वो लोग क्या करते हैं, जैसे आप डेमो में जाते हो ना, तो डेमो में ये लोग जानबूझ के आपको $10,000 देते हैं। तब आपको जानबूझ, ये $10 नहीं देंगे, ये आपको देंगे $10,000। तो अगर आप ना छोटे छोटे लॉस करोगे तो क्या होगा, छोटे छोटे लॉस करोगे तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ लो। आप क्या करोगे, छोटे लॉस करोगे, मार्टिकल फॉलो करके बड़े विन कर जाओगे, और जैसे ही आप रियल अकाउंट में आते हो ना, तो लोग क्या करते हैं, $10 इन्वेस्ट करते हैं, $100 इन्वेस्ट करते हैं, इससे ज्यादा नहीं करते। तो वो साइकोलॉजी इस तरीके से रहती है कि आप वहां पे आप लॉस कर जाते हो। तो ये प्लेटफॉर्म्स का कुछ इसमें हाथ नहीं होता। हाँ, कुछ प्लेटफॉर्म्स है जिनके जो मतलब ठीक ठाक नहीं है, या फिर कुछ शायद गड़बड़ करते भी हैं, तो उनको मैं यूज नहीं करता हूँ। तो ठीक है, तो अब भूपेंद्र जी, लाइक आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए यार, कहाँ से हो, क्या है, इंजीनियरिंग कम्प्लीट किया आपने? जी सर, तो फिलहाल अभी मतलब 6 महीने से, काफी 6 महीने हो गए सर ट्रेडिंग स्टार्ट के, मतलब काफी दिनों तक आपके मतलब जो आपकी स्ट्रेटजी है काफी अच्छी वर्क करती है सर, 80% मतलब विनिंग रेशियो रहता है सर उनका। अच्छा, स्ट्रेटजीज का, अरे स्ट्रेटजीज क्या ना यार, मैं क्या करता हूँ ना, अपन किसी कॉपी नहीं करते स्ट्रेटजी, अपनी स्ट्रेटजी थोड़ी सी चेंज ही रहती है, तो यार कभी अच्छा रिजल्ट दे देती है, कभी नहीं देती, लेकिन बस ये है कि हर एक चीज मैं बताना चाहूंगा, जो स्ट्रेटजीज है ना यार, वो हर टाइम काम नहीं करती है, मतलब कभी काम कर गई, कभी नहीं की, ऐसा रहता है स्ट्रेटजीज का। जी सर, हाँ, स्ट्रेटजीज का ये रहता है, लेकिन हाँ, लेकिन जो मेन जो चीज आती है ना, वो आती है मनी मैनेजमेंट प्लान। आपके पास जितनी इन्वेस्टमेंट है ना, उसके हिसाब से आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
अगर आप, क्योंकि यहाँ पे ना ये ऐसा बिजनेस है दोस्त, यहाँ पे आप लॉस भी करोगे प्रॉफिट भी करोगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप प्रॉफिट करते जाओगे, या अगर मैं भी हूँ ना मैं सिर्फ प्रॉफिट नहीं करता, मैं लॉस भी करता हूँ, मैं प्रॉफिट भी करता हूँ, दोनों चीजें चलती है। तो जैसे $150 में सर इसमें मार्जिन वाला स्टेप फॉलो करना चाहिए या अपने को एक फिक्स पर्टिकुलर डॉलर कैसे $1 पे? देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। देखो $150 यूजर्स हैं, व्यूअर्स हैं जो भी जानना चाहते हैं कि भैया अगर $150 को इन्वेस्ट करते हैं तो क्या हम आर्टिकल को फॉलो कर सकते हैं? तो डेफिनेटली आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे कंडीशन है, आपको एंटी मार्टिकल स्टेप्स भी फॉलो करने पड़ेंगे। मार्टिकल प्लस एंटी मार्टिकल मतलब आपके पास इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपके पास $150 है, तो आप क्या करो 1, 2, then 5, अगर आप ये तीन तक चले जाते हो, एक पे जाओ, दो पे जाओ, पांच पे जाओ, अगर आप पांच की भी लॉस कर जाते हो देन वापस दो पे आ जाओ, अगर वो दो की भी लॉस कर जाते हो देन वापस वन पे, और अगर वो दो की विन कर जाते हो आप तो सेकंड फिर से दो की ले लो, यानी उल्टा चलो आप। क्योंकि उसमें क्या होता है ना, सपोज करो अगर आप तीन ट्रेड कॉन्टिन्यूसली हार जाते हो और अगर वो दिन आपका बहुत ज्यादा खराब होता है, तो क्या होता है ना, अगर वो बहुत ज्यादा दिन खराब हुआ और कॉन्टिन्यूसली आप 8-7 ट्रेड हार गए मार्टिकल से, तो आपका पूरा बैलेंस था, है ना? तो ऐसा मुझे पता है क्योंकि बहुत लोगों के साथ होता है, इसलिए ना मैंने एक वीडियो भी अपलोड की हुई है कि कितने बैलेंस पे मार्टिकल फॉलो करना चाहिए। तो यही, अगर आपके पास छोटा बैलेंस है, अगर आपके पास $1000 से कम का बैलेंस है ना, तो आप मार्टिकल को जब फॉलो करते हो ना तो बहुत छोटे छोटे स्टेप्स में फॉलो करो, बड़े में बिल्कुल करो ही मत यार ना। पहली चीज तो बड़े में करना ही नहीं आपको मार्टिकल को फॉलो, क्योंकि अब और एक चीज ना, डेली का एक फिक्स परसेंटेज रखना पड़ेगा टारगेट। सपोज आपका जितना भी आपका इन्वेस्टमेंट है उसमें इतना परसेंट रखो कि भाई इतना परसेंट का मेरे को आज प्रॉफिट चाहिए, दैट्स इट। उसके बाद वहीं पे आपको बंद करना पड़ेगा, नहीं तो वो इमोशनल ट्रेडिंग में आ जाता है सिस्टम, ये हो जाता है। ये अभी हम आते हैं हर्ष पे। हर्ष यार बड़ा टेंस लग रहा है भाई, क्या चक्कर है? बड़ा एकदम ऐसा लग रहा है जैसे एग्जाम में बैठा है। हाँ बताओ, पहली बार लाइव हो ना इसलिए। अच्छा, हाँ तो बताओ यार समथिंग, कहाँ से हो आप? सर मैं गुजरात से हूँ। अच्छा गुजरात से, अच्छा हाँ जडेजा, अरे यार मैं तो यार भूल ही गया, अपने रविंद्र जडेजा भी तो गुजरात से है ना। पबजी में वो पबजी में भी आपको एक बार मिला था मैं आपको। अच्छा पबजी में भी, अरे हाँ यार कभी कभार मैं बहुत कम खेलता हूँ यार, अब तो टाइम मिलता नहीं इतना, बहुत कम खेलता हूँ। सर आपको 2018 से फॉलो करता हूँ सर आपको। यार 2018 से, तो मैंने ये चैनल बनाया था फरवरी 2018 में, उसके एक महीने बाद ही मैंने। और यार तब तो खतरनाक यार, मतलब इतने पुराने हो, और मतलब बहुत अच्छा लगा यार सुन के, मतलब क्योंकि मैं खुद, मुझे भी नहीं पता था इतना कुछ है कोई इतना लोग, क्योंकि उस टाइम पे मैं ट्रेडिंग के वीडियो नहीं डालता था, पता हो तो उस टाइम मैं टेक न्यूज और टेक वीडियो डालता था सर, है ना। उस टाइम पे ट्रेडिंग मुझे खुद को नहीं पता था कि मैं ट्रेडिंग कर सकता हूँ, वो तो मेरे को लॉस हुआ फिर समझ आई चीज है, तब जाके मैंने सोचा कि मेरे को लॉस हो गया तो लोगों को बताया। हाँ पूछो हर्ष, क्या पूछे थे जी सर? के ट्रेडिंग में कैरियर बन सकता है? ट्रेडिंग में बिल्कुल कैरियर बन सकता है, क्योंकि बनाया भी है लोगों ने, मेरे को ही पकड़ लो यार। अपने फर्स्ट प्रायोरिटी वही होनी चाहिए, वो हो सकता है क्या? इनकम सोर्स पहली वही होनी चाहिए। देखो यार बिल्कुल, मैं एक चीज बताता हूँ, जो भी लोग है ना, जो व्यूवर्स हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, और पता नहीं कितने लोगों तक जाएगी वीडियो, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत कॉमन रहता है कि ट्रेडिंग में करियर बन सकता है नहीं रह सकता है, करियर ऑप्शन की तरफ ले सकते हैं या फिर पैसिव इनकम की तरफ तरह हम ट्रेडिंग को देख सकते हैं। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, और इसका आंसर ये हर्ष की, देख ट्रेडिंग जो है ना बिजनेस है, रिस्क की बहुत है, लेकिन यहाँ पे ना रिस्क को हम कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे बेस्ट थिंग जो है ट्रेडिंग की, वो रिस्क को हम कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल इन द सेंस, देख लोग क्या करते हैं ना, एक प्रॉफिट परसेंटेज का टारगेट नहीं रखते, एंड ड्यू टू उस की वजह से एक ही दिन में अपना सारा बैलेंस खत्म कर देते हैं मार्टिकल को फॉलो करके, जो भूपेंद्र जी के साथ भी हुआ है। तो यही चीज है ना, तो ट्रेडिंग में अगर करियर बनाना है ना, तो फर्स्ट थिंग ये याद रखनी है सबको कि इन्वेस्टमेंट बड़ी होनी चाहिए, छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ नहीं होगा। क्योंकि देखो अगर यार एक तरह देखना हर्ष, ये जो चीज है ना ट्रेडिंग, ये बिजनेस है, ठीक है, ये बिजनेस है, बिजनेस में अगर आप इन्वेस्ट करोगे तभी जाके उसका रिटर्न मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि आप छोटी इन्वेस्टमेंट से बहुत बड़ा सपना देख रहे हो, वो चीज पॉसिबल है, मैं डिनाय नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत कम केसेस में, ठीक है। तो ये है, तो यहाँ पे देख सिंपल ये चीज हो सकती है हर्ष, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा वो चाहिए यार, आप समझ लोगे, मतलब एक तो बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए, और इन्वेस्टमेंट बड़ी और स्मॉल स्टेप्स ऑफ मार्टिकल, एंड परसेंटेज जो आपका रहेगा प्रॉफिट का वो बिल्कुल मिनिमम होना चाहिए, वो ज्यादा बड़ा नहीं जाना चाहिए, ठीक है। हाँ ये है,
तो गणेश जी काफी देर से यार इधर उधर घूम रहे हैं, क्या चक्कर है यार हमारे आज आज घर घर दिखा रहे हैं, घर दिखा रहे हमें आपका घर दिखा रहे। हाँ हाँ, घर आज पूरा बिल्डिंग इधर ही दो महीने से अटके पड़े हैं सर। मेरा एक क्वेश्चन था सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, वो आप पिछले मैंने वीडियो देखा था काफी, मतलब दो तीन महीने हो गए। पहले तो मेरे को सर नहीं बोलो यार, मेरे को सर बोलते ना बड़े अजीब सा लगता है, मैं इतना बड़ा एज का हो भी रहे मुझे, मैंने काम ही बस ऐसा करता हूँ जिससे लोग ऐसा बोलते हैं मेरे को। अभी ठीक है, अभी ठीक है, अभी इस टाइम अरविंद बोल सकते हो आप, ठीक है, आपका छोटा भाई जैसा हो यार, कुछ भी चलता है सर। अच्छा नहीं लगता क्योंकि आप ऐसे यार ऑलरेडी इतने रेप्यूटेटेड जॉब करते हो, और मैंने भी बहुत कोशिश किया था सर आर्मी में होने की, क्योंकि मेरी हाइट अच्छी है, तो घर वालों ने कहा था कि भाई आर्मी में ट्राई कर ले करके, लेकिन अपन इंजीनियर लोग हैं, इंजीनियरिंग तो कर ली थी, फिर इंजीनियरिंग करके जॉब लगी नहीं जॉब लगी नहीं तो भाई इंजीनियर कर रहा हूँ। अरे सही है भाई, तू भी अपनी अपने वाले में तू भी शामिल होगा जल्दी। तो हमें जॉब लगी नहीं तो घर वाले बोले कि भाई तेरी हाइट अच्छी है, ट्राई कर आर्मी के लिए। अब आर्मी में ट्राई किया तो हुआ नहीं अपना, तो फिर मैंने सोचा कि भाई अब कुछ बड़ा ही करते हैं, अलग ही करते हैं। हाँ तो गणेश जी क्या क्वेश्चन था आपका सर? वो आप एक सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे थे जो आपने बताया था, वो सॉफ्टवेयर में लॉस नहीं हो सकता, या तो आपका रिफंड हो जाएगा या तो प्रॉफिट होगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने वीडियो भी सॉफ्टवेयर भी अपलोड किया, कब तक आप मतलब काम आप मतलब देखते हैं क्या, मतलब अगर आप उस ऐप पर पूरा तय हो गया हो तो। हाँ देखिए, मैं बिल्कुल समझ गया आप किसकी बात कर रहे हो। आप जो बात कर रहे हो वो MT4 के एक इंडिकेटर की बात कर रहे हो, जिसके बारे में मैंने एक वीडियो भी बनाई थी शायद, है ना। तो वो एक्चुअली क्या था ना, वो इंडिकेटर कस्टमाइज था, वो पेड इंडिकेटर था बट उसको कस्टमाइज किया था, तो काफी अच्छी एक्यूरेसी दे रहा था, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया जो भी स्ट्रेटजीज रहती है सर। हाँ मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? शायद मेरा नेटवर्क स्लो था जी सर। हाँ अब आ रही है? आ रही है बिल्कुल। ओके 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 ओके, सो आई वाज सेइंग गणेश जी क्या था कि एक्चुअली वो वीडियो जिसकी आप बात कर रहे हो ना, वो वीडियो मुझे याद है, उसमें शायद मैंने किसी इंडिकेटर के बारे में बताया था, और वो वीडियो काफी पुरानी थी, पुरानी है मतलब अब। तो एक्चुअली क्या है कि दैट टाइम मैंने जब आपको बताया था वो उस वीडियो के बारे में, तो तब वो जो इंडिकेटर था वो टोटली कस्टमाइज था, और वो अच्छा काम भी कर रहा था, तब काम कर रहा था, लेकिन फिलहाल के टाइम पे वो काम नहीं कर रहा है अभी। तो इसी वजह से मैं अभी वो रिकमेंड भी नहीं करता। हाँ वो वीडियो ज्यादा पुरानी हो गई, मुझे उसको वीडियो को प्राइवेट भी करना था, मैंने किया नहीं थोड़ा सा, लेकिन क्योंकि व्यूज आ रहे उस पर तो मैं सोचा कि रहने देते यार, लेकिन अभी करूंगा उसको थोड़ा प्राइवेट भी करूंगा, क्योंकि हाँ क्योंकि वो थोड़ा ये हो गया, क्योंकि एक्चुअली क्या ना। हाँ बोले बोले। अच्छा सर, वो मैंने अभी $500 किए हुए हैं आपके, मतलब मैं $500 इन्वेस्ट किए हैं, जिसमें मेरे बोनस करके $8 मिल गए हैं टोटल, $800 सॉरी। हाँ तो अभी मेरे को मतलब हाँ $800 हो गए, तो उसमें मेरे को जैसे 1% पकड़ा जाए तो $8 होता है पर डे के हिसाब से इन्वेस्ट पकड़ा जाए तो। बिल्कुल बिल्कुल। तो $1 कैसे एकदम जैसे हम ट्रेडिंग करके एकदम $1 लगाना चाहिए कि एक एक डॉलर करके हमको करना चाहिए? देखो यार, देखो हर्ष, यहाँ पे हर्ष और भूपेंद्र, देखो यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, और गाइस जो वीडियो देख रहे ना सबके लिए बताना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो अब देखो बिल्कुल, आपके पास जो इन्वेस्टमेंट है ना उसको हम $800 नहीं $500 की कंसिडर करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो $500 इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि बाकी $300 जो है वो है आपका बोनस, ठीक है। तो $500 हम कंसीडर करते हैं, तो $500 के हिसाब से आपका टोटल 800 मत गिनो, आप टोटल 500 गिनो, ठीक है। तो 500 का 1% होता है $5, ठीक है। तो आपको पर डे $5 का टारगेट रखना है, और देखो आपको कैसे चलना है, देखो मैं बताता हूँ बहुत अच्छी तरीके से आप जा सकते हो। अभी $5 का आप पर डे टारगेट रखते हो, ठीक है, तो नेक्स्ट डे आपका जो टोटल अमाउंट हो जाएगा वो हो जाएगा 505, उसका 1% आपको नेक्स्ट डे टारगेट करना है, तो टोटल अमाउंट जो आपका नेक्स्ट डे होगा वो हो जाएगा 511, फिर उसका नेक्स्ट डे 1%, मतलब आप समझ रहे हो टोटल जो अमाउंट आपका हो जाता है बेस अमाउंट, उसमें इन्वेस्टमेंट में जो टोटल प्रॉफिट होता है उसको प्लस करते रहो, ठीक है। यार मेरे को लगता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया समझना, राइट, थोड़ा डिफिकल्ट लैंग्वेज में समझा दिया। मैं कह रहा हूँ देखो, मतलब सिंपल सी ये बात है, जितने भी रुपए आपके आएंगे, जितने रुपए आपने इन्वेस्ट किए हैं उसका 1% का डॉलर का 1% का आप टारगेट रखो, और उसके बाद एक महीने बाद आपके टोटल इन्वेस्टमेंट पे 30% का आपको प्रॉफिट हो जाएगा, ऑलमोस्ट 30% का। फिर आपके पास नेक्स्ट डे टोटल इन्वेस्टमेंट हो गई 130% टोटल इन्वेस्टमेंट, क्योंकि 100% तो पहले थी प्लस 30% आपका प्रॉफिट।
अब आपको जो जो नेक्स्ट मंथ 1% का टारगेट रखना है वो 130% की टोटल इन्वेस्टमेंट पे रखना है, समझे आप? टोटल इन्वेस्टमेंट अब आपकी है 130%, उसका 1%, फिर नेक्स्ट मंथ जो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगी वो हो जाएगी लगभग $200, सॉरी 200%, फिर उस 200% का 1%, फिर नेक्स्ट मंथ आपकी हो जाएगी 200-250%, समझ रहे हो आप क्या ये सिनेरियो है? और सिर्फ सिक्स मंथ्स में आपकी वो जो $500 की इन्वेस्टमेंट है वो अब लगभग 1600-1700 या फिर काफी ज्यादा हो जाएगी, मतलब इस तरीके से चले तो, मतलब काफी ज्यादा, क्योंकि वो एक तरीके से मल्टीप्लाई होगी, वो प्लस नहीं होगी, वो मल्टीप्लाई होगी, है ना? यानी आज जितनी है नेक्स्ट मंथ मल्टीप्लाई बाय टू, आज नेक्स्ट मंथ जितनी है मल्टीप्लाई बाय टू, समझ रहे हो? इस तरीके से होगी। एक बार कैलकुलेट कर लेना इसको एक कॉपी पेन पे, मैंने एग्जैक्टली कैलकुलेट तो नहीं किया लेकिन आप समझ गए होंगे किस तरीके से कह रहा हूं। एक महीने में जो आपकी इन्वेस्टमेंट है उस पर टोटल प्रॉफिट होगा 30%, नेक्स्ट मंथ हो जाएगा 130% पे टोटल प्रॉफिट आपका, है ना? तो ये सारी चीजें कैलकुलेट करोगे ना तो 6 महीने या 1 साल तक आपकी इन्वेस्टमेंट का पता नहीं कितना कर लोगे। और इसमें सबसे अच्छी बात जो है वो रिस्क नहीं है। रिस्क का मतलब आप पर डे आपकी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है, यानी $500 की इन्वेस्टमेंट है, $500 की इन्वेस्टमेंट पे अगर आपको एक दिन में ये कहा जाए कि आपको सिर्फ कितना डॉलर निकालना है, सिर्फ $5, तो कितना कोई मुश्किल काम है? अब मुश्किल काम नहीं है। अगर मैं कहूँ $500 पे आपको $25 निकालना है तो वो मुश्किल काम है। अब ये भी बता देता हूँ कि $500 का आप 1% डेली का निकालोगे कैसे। देखो, $1 की ट्रेड लेनी है आपको, सिर्फ $1 की। अगर वो लॉस करते हो तो $2 पे आओ, वो लॉस करते हो देन $5 पे आओ, और उसके बाद वो लॉस करते हो तो उल्टा चलना स्टार्ट हो जाओ, फिर से 2, फिर से 1, और अगर 1 वाली भी लॉस करते हो तो सिर्फ 1-1 से चलना स्टार्ट हो जाओ। यानी अगर आप ऐसा करते हो तो आपका टोटल लॉस कितना होगा, 7-8 या $9, वो कवरेबल है, ठीक है, वो कवर कर सकते हैं नेक्स्ट सेशंस में। लेकिन अगर आप बहुत बड़े बड़े मार्टिकल स्टेप्स को फॉलो करने लग गए तो आपका इतना बड़ा भी लॉस हो जाएगा मार्टिकल्स को फॉलो करते करते कि वो 500 आपके 2 दिन में उड़ जाएंगे, ठीक है गणेश जी? तो यही चीज है, आपका जो इन्वेस्टमेंट है काफी बड़ा है अभी, तो मतलब ये छोटा इन्वेस्टमेंट में नहीं है, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, और इस इन्वेस्टमेंट को बहुत बड़ा कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन बस ऐसा करते रहना, जैसे ही आपको $200-$300 के प्रॉफिट मिलते रहे उसको विड्रॉ करते रहो, सिंपल सी बात है। पूरा को एक साथ विड्रॉ मत करना, $300 तक के विड्रॉ ले लो। और अब तो वैसे भी UPI आ गया है, अब तो विड्रॉ में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इंडियन पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट हो गया है ओलिम्ट्रेड के साथ, तो आप सीधा UPI में अपने बैंक अकाउंट में ही आ जाएगा। पहले क्या होता था, हाँ, पहले एक 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 चीज का जवाब देना चाहूंगा मैं, हाँ एक्चुअली क्या है कि बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे कहते हैं कि सर बाहर से पैसा आता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो भाई इसीलिए कह रहा हूँ, अब जो है इंडियन पेमेंट गेटवे आ गया है तो इसमें क्या है ना, आपका पैसा इंडिया में ही रहेगा और इंडिया से ही वापस आएगा। लोकल पेमेंट गेटवे है कैश फ्री, तो कैश फ्री का जो है ना यहाँ से आपका पैसा जाएगा और यहीं से वापस आएगा, तो ये वाली प्रॉब्लम अब खत्म हो गई, मतलब कि बाहर पैसा जाना अंदर पैसा आना, अब इंडिया में ही पैसा रहेगा और इंडिया से ही आपको मिलेगा, ठीक है? तो ये चीज अब नहीं होने वाली, तो अब ये बहुत इजी हो गया इंटरफेस मेरी स्क्रीन पे। सर अदर अकाउंट के यू आर जी सर, सर मैं ये पूछना चाहूंगा कि जैसे मेरा अकाउंट मेरे नाम से है तो मैं अदर अकाउंट के UPI कर सकता हूँ क्या? देखिए, जब आप UPI का मेथड चूज करोगे ना तो वहां पे आपसे मोबाइल नंबर मांगेंगे, आपका फुल नेम मांगेंगे, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, और फिर आपका मोबाइल नंबर। तो यार कोशिश करो कि अगर आपने एक बार जो डाला है ना, चाहे वो किसी का भी हो, बस वो ही रखो, फिर दोबारा उसको चेंज मत करो। सपोज कीजिए आज आपने किसी कजन का या किसी और का जो UPI है वो यूज किया है, तो फिर दूसरी बार आप अपना मत यूज करो, फिर उन्हीं का यूज करो, ठीक है? तो फिर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा तो चल जाता है। बाकी कोई प्रॉब्लम भी आती है तो क्या बोलते हैं, टेलीग्राम पे यार कांटेक्ट कर लेना, मतलब जो विड्रॉ से रिलेटेड अब UPI में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो मैं कोशिश करूंगा सॉल्व कराने की, वो तो हो जाएंगे क्योंकि UPI लोकल पेमेंट मेथड है, इसमें कोई इश्यू आने नहीं वाला, इसमें 24 आवर्स के अंदर विड्रॉ मिल जाएगा। लेकिन बस यही याद रखना है यार कि $200-$300 तक का ही विड्रॉ लो, ज्यादा बड़े विड्रॉ मत लेना, क्योंकि जितने ज्यादा बड़े विड्रॉ उतना ज्यादा टाइम लगता है, जितने छोटे विड्रॉ जल्दी प्रोसेस हो जाते हैं। हाँ, कौन पूछ रहा था? हर्ष कुछ पूछ रहा था, अच्छा भूपेंद्र जी पूछ रहे थे। हाँ भूपेंद्र जी पूछिए, अब सबसे आज थैंक यू सर। हाँ हाँ सर, जैसे UPI से हमने $50 डिपोजिट किया था, विड्रॉ भी सर $50 ले सकते हैं, उसे ज्यादा भी ले सकते हैं विड्रॉ? नहीं, ज्यादा ले सकते हैं, कितना भी, क्योंकि हाँ सर जैसे मैंने, हाँ बोले बोले, एक और था सर क्वेश्चन, मैंने अभी डिपॉजिट किया था वीजा कार्ड से, फ्रेंड की वीजा कार्ड से, तो सर इसमें जैसे ID प्रूफ में सर वो ID मेरी डाल दूं या फ्रेंड की डालूं? अगर फ्रेंड का वीजा कार्ड है ना, है ना,
अगर फ्रेंड का वीजा कार्ड यूज किया है तो अपनी आईडी डालोगे तो वेरीफाई नहीं होगा, फिर उन्हीं की डालनी पड़ेगी और उन्हीं के नाम पे अकाउंट बनाना पड़ेगा। मतलब आपका जो है ना, जैसे ओलिंप पे जाओगे तो प्रोफाइल में जाके उनका नाम सेव कर देना बस। अभी तो सर वैसे फिलहाल मैंने मेरे मोबाइल नंबर और नाम तो मेरा डाल रखा है। अच्छा अच्छा यार, ऐसा नहीं करना चाहिए ना, मैं काफी बार कह चुका हूँ ना, अपना पैसा फंस जाता है यार ऐसे करते हो तो, क्योंकि जब अपने नाम से अकाउंट बनाया है किसी और का वीजा कार्ड यूज करोगे, एक्चुअली क्या होता है ना, जब आप विड्रॉ लेते हो ना वीजा कार्ड में, तो क्या होता है ना, रिफंड फॉर्म में आता है, रिफंड फॉर्म में, तो वो रिफंड फॉर्म में आता है तो वो लोग चेक करते हैं कि अकाउंट किसके नाम से है, फिर वो वहां पे प्रॉब्लम आ जाती है मेनली। तो इसी वजह से ये चीज पे थोड़ा सा ध्यान रखा करो, छोटे विड्रॉज में प्रॉब्लम नहीं आती लेकिन बड़े में आ जाती है। पर अभी ऐसा कर सकते हैं, जैसे हम यूपीआई से डिपॉजिट कर दे एक बार फिर से, तो मैं मेरा खुद का आईडी लगा दूं उसमें से। हाँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर यूपीआई पे, यूपीआई से अगर $10 डाल दो आप, सिर्फ एक काम करो, यूपीआई से $10 डाल दो, फिर वो जो अमाउंट है पूरा का पूरा यूपीआई में विड्रॉ ले लो, हो जाएगा। मतलब जो वीजा से भी डाला हुआ है वो भी सारा यूपीआई से ले लो, हो जाएगा। ओके सर। हाँ तो मेरा भी सवाल था एक। हाँ जडेजा जी बिल्कुल, आप क्या बोलते यार, पूरा मैं देख रहा था, पूरा पैन पान ले गया एकदम तैयार, कॉपी वगैरह। हाँ बोले बोले सर, सैटरडे संडे को ओटीसी मार्केट ओपन होता है, तो उसमें मैंने देखा कि ओलंपिक ट्रेड में अलग चार्ट था, करेंसी सेम, पेयर भी सेम, पर अलग अलग चार्ट था। ओटीसी मार्केट में अलग चार्ट था, कौन से प्लेटफॉर्म से वो किया था, कंपेयर किया था? बिनोमो और ओलंपिक, नहीं आईक्यू ऑप्शन आया था, आईक्यू आईक्यू ऑप्शन और ओलंपिक को कंपेयर किया था, तो चार्ट डिफरेंट डिफरेंट आ रहा था ओटीसी मार्केट के लिए। मैंने बिनोमो, बिनोमो और ओलंपिक ट्रेड को किया था, तो एक पर्टिकुलर करेंसी के लिए आ रहा था या पूरा ही आ रहा था? नहीं नहीं बिनोमो। यार आपका क्वेश्चन पहले क्लियर करो यार, बिनोमो और आईक्यू ऑप्शन मैंने चेक किया तो उसमें करेंसी पेयर अलग अलग आ रही थी। हाँ तो ये बिल्कुल देखो क्या होता है ना, देखो मैं बताता हूँ, बिनोमो जो है, बिनोमो और आईक्यू ऑप्शन है, ये सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, तो इनके पास जो टेक्नोलॉजीज होती है ना वो नहीं पता हम लोगों को, की वेरी करती है वो टेक्नोलॉजीज होती है। सपोज करो बिनोमो है वो अलग प्लेटफॉर्म्स के साथ काम कर रहा है, अलग करेंसी पेयर्स अवेलेबल होंगे उसके अंदर, है ना, ये वाला सीन आ जाता है। तो और मान लो अब आईक्यू ऑप्शन है वो अलग अलग करेंसीज के साथ काम करता है, अलग क्रिप्टो में डील करता है, यानी कि एक पर्टिकुलर ब्रोकर के पास लगभग 70 से 80 एसेट्स होते हैं, यानी करेंसी पेयर्स होते हैं लगभग लगभग एवरेज एवरेज। सो गाइस, तो मैं कह रहा था कि जो डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स होते हैं ना, तो डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के अलग अलग एसेट्स होते हैं, अलग अलग टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स होते हैं, तो उनके हिसाब से मिलती है, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल तेरे को देखने को मिल जाएगा हर्ष, या फिर काफी सारे ओटीसी मार्केट के अंदर को, नॉर्मल मार्केट में भी काफी करेंसीज मिल जाएगी जो ओलिंप ट्रेड में होंगी और बाकी सब में नहीं होंगे, है ना। अगर तू वीआईपी एक्सेस ले लेगा ना ओलिंप ट्रेड का, तो तेरे को इतनी करेंसीज मिलेंगे जो कहीं भी नहीं दिखने वाले। आईक्यू ऑप्शन के पास भी ऐसा ही है, स्टार्टर लेवल और ऐसा ही कुछ चलता है सिस्टम। गणेश जी बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, मतलब वो जोमेटो वाला नहीं था, वो जोमेटो वाला चल गया था, वो हो गया था, जोमेटो वाला डिलीवरी बॉय फेमस हो गया था, है ना। तो गणेश जी वैसे ही, अगर ये वीडियो वायरल हो जाती है तो गणेश जी वैसे ही फेमस होने वाले, क्योंकि स्माइल अच्छी है इनकी। गणेश जी सच्ची मजाक नहीं कर रहा हूँ यार, स्माइल अच्छी है आपके। मैं आपने एक लिखा बताया था, बोला था आपने कि अगर आपको लॉन्ग टर्म में चलना है तो बिनोमो ऑप्शन में, अगर शॉर्ट टर्म चलना है तो ओलंपिक ट्रेड में, तो मतलब क्या इसका ओलंपिक ट्रेड के लॉन्ग टर्म के लिए हम नहीं कर सकते? नहीं ऐसी कोई बात नहीं, देखो देखो मेरा जो मानना होता है ना, देखो आप लॉन्ग टर्म में जाओ चाहे शॉर्ट टर्म में जाओ, आप आईक्यू के साथ भी जा सकते हो, आप किसी भी प्लेटफॉर्म्स के साथ जा सकते हो, लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए जाते हैं ना, तो सबसे पहली हमारी रिक्वायरमेंट होती है विड्रॉ टाइम पे आना चाहिए, डिपॉजिट टाइम पे होने चाहिए, और क्योंकि अगर लॉन्ग टर्म में चाहिए तो हमें रेगुलेटेड ब्रोकर चाहिए, है ना। रेगुलेटेड मतलब ऐसा ब्रोकर चाहिए जो जिसके पास रेगुलेशंस हो, और जो मतलब इंडियन गवर्नमेंट या फिर बाहर की गवर्नमेंट से जहां का वो ब्रोकर है उसे अप्रूव्ड होना चाहिए, करेक्ट। अब ओलिम ट्रेड जो है वो अच्छा ब्रोकर है, बहुत मल्टीनेशनल कंपनी है और मल्टी बिलियनियर कंपनी है, लेकिन रेगुलेशन उसे अभी तक नहीं मिला है। और आईक्यू ऑप्शन क्या है ना, मैंने आईक्यू ऑप्शन सजेस्ट किया था, आईक्यू ऑप्शन रेगुलेटेड है, अगर आप इंस्टा पे जाओगे ना तो आईक्यू ऑप्शन की जो प्रोफाइल होगी उसके सामने आपको टिक मिल जाएगा ब्लू कलर का, और किसी भी प्रोफाइल के सामने आपको नहीं मिलेगा,
ठीक है, तो इसीलिए मैंने कहा था कि आईक्यू ऑप्शन लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छा रहेगा। और वैसे अगर ओलिम ट्रेड भी है, ऐसा नहीं कह रहा मैं अच्छा नहीं है, ओलिम ट्रेड भी अच्छा है, चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए हो चाहे वो लॉन्ग टर्म के लिए हो, लेकिन अगर आप ओलिम ट्रेड में लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहते हो ना, तो एक पेशेंस लेवल लगता है, वो पेशेंस लेवल आपके अंदर होना चाहिए। और आईक्यू ऑप्शन में क्या है, यहाँ पे चार्ट का जो सिस्टम है वो थोड़ा डिफरेंट है यार दोस्त, मतलब क्या ना, चार्ट में आप मिनट नहीं सिलेक्ट करोगे, एक मिनट, दो मिनट, पांच मिनट, यहाँ पे आपको टाइमिंग सिलेक्ट करनी पड़ती है, एक्सपायरी टाइम जो होता है। इंटरफेस अलग है, थोड़ा स्टैंडर्ड इंटरफेस है और काफी अच्छा लगता है मुझे स्टैंडर्ड इंटरफेस। ओलिम ट्रेड का इंटरफेस भी मुझे काफी अच्छा लगता है, लेकिन ओलिम ट्रेड का इंटरफेस एक इजी यूजर्स के लिए है, जो नॉर्मल यूजर्स अच्छे से समझ लेते हैं। तो अगर आप काफी लॉन्ग टर्म की सोच रहे हो तो ओलिम ट्रेड अच्छा है, लेकिन पेशेंस लेवल अच्छे रखो और अपने पूरे वेरीफाई रखो, अपने अकाउंट को अच्छे से वेरीफाई रखो, और फॉल्स ट्रांजेक्शन मत करो, $300 से कम के ट्रांजेक्शन करो, और अपना जो पेमेंट मेथड है जिससे आप विड्रॉ या फिर डिपॉजिट लेते हो वो वेरीफाई करके रखो। वैसे आप तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, अब यूपीआई आ गया है, लेकिन फिर भी मतलब कहने का मतलब है जो है, अगर आप बिल्कुल एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलते हो तो ओलिम ट्रेड बहुत अच्छा है, और अगर आप चाहते हो कि आप स्लोली चलना चाहते हो काफी, और चाहते हो कि मेरे को रेगुलेटेड ब्रोकर चाहिए, तो आईक्यू ऑप्शन अच्छा है। अगर आप चाहते हो कि मैं इंडियन करेंसी आपको डिपॉजिट कर सकूं रुपए के अंदर, और एक इजी इंटरफेस चाहिए, और मुझे बहुत सारी स्ट्रेटजीज चाहिए, तो बायनमो अच्छा है। लाइक बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, अब समझना पड़ता है कि आपको कौन सा चाहिए, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। या ओलंपिक ट्रेड में सर मेरी पेमेंट एक महीने के बाद है, 29 दिन में क्रेडिट हुई जो ओलंपिक, 29 दिन लगा दिया उन्होंने, क्वेश्चन भी पूछा। लेकिन अब एक काम करना, आपके पास अब एक काम करना गणेश जी, आपके पास $500 का डिपॉजिट है, करेक्ट है ना? तो आप एक काम करो, उसमें से $10 का आज विड्रॉ ले लो, ठीक है, $10 का विड्रॉ ले लो, लेकिन यूपीआई मेथड से लेना, ठीक है, या तो फोन पे में ले लो या गूगल पे में ले लो, किसी में भी ले लो, और उसके बाद कमेंट करके बता देना वीडियो के नीचे कि क्या चल रहा है, मतलब कितना टाइम में आपका विड्रॉ आया। और मुझे जहां तक लगता है कि सिर्फ एक वर्किंग डेज के अंदर आएगा, ओनली वन वर्किंग डेज, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि अब बहुत ज्यादा काम हो गया इनके पेमेंट मेथड पे, यानी बहुत ज्यादा जो प्रॉब्लम्स चल रही थी वो सारी चीजें सही हो गई है। अब पहले क्या होता था, कोई के एक महीने बाद आता था विड्रॉ, किसी के विड्रॉ में भी प्रॉब्लम आ जाती थी कि आता ही नहीं था। लेकिन अभी भी मैं एक चीज बोलूंगा, चाहे जो भी यूजर्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, यार हमेशा ना बैंक्स जो चूज करो ना विड्रॉ के लिए, वो अच्छे बैंक्स चूज करो, यानी अच्छे का मतलब जो कि इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन आपकी वैलिड करते हो। लॉट ऑफ बैंक होते हैं जिनके पास अपना स्विफ्ट कोड नहीं होता है, यानी अपना जो ब्रांच का करेंसी एक्सचेंज कोड नहीं होता है, तो बाहर से जो पैसे आते थे या आते हैं अभी भी, तो उनको कन्वर्ट करने में प्रॉब्लम होती है। ऐसे ब्रांच को मत चूज करो, ब्रांच ऐसी चूज करो जिसके पास स्विफ्ट कोड हो, और आपका जो बैंक हो वो ऐसा हो जो आपके इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स को वैलिड करता हो और इजीली आपके अकाउंट में पैसे डाल देता हो, ठीक है। यानी कि जब आप बैंक अकाउंट में जाओ ना, बैंक अकाउंट ओपन करवाने, या फिर आपके पास अगर एग्जिस्टिंग बैंक अकाउंट है, तो उनके ब्रांच में जाके उनसे पता करो कि सर हमारा जो काम है, मेरा जो पैसे है वो बाहर से आएंगे, या फिर मैं ट्रेडिंग करता हूँ, उसमें डरने की कोई बात नहीं है भाई, काम मैं ट्रेडिंग करता हूँ, ये करता हूँ, तो वो बैंक वाले आपको बता देंगे कि यार हमारे जो है इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन वैलिड नहीं होते, या फिर टाइम लगता है, तो उस बैंक में मत जाओ। जैसे मैं बेस्ट बैंक के बारे में बात करता हूँ, तो कोटक का मुझे अच्छा लगता है बैंक, क्योंकि कभी डिले नहीं करता है, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन है, और खुद की सिक्योरिटीज की कंपनी है जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करवाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ऐसे बैंक्स को चूज करो जहां पे आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना हो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो एक काम जरूर करना गणेश जी, विड्रॉ लेके देखना, और 24 आवर्स के अंदर आता है नहीं आता जरूर बताना ये चीज। सर यूपीआई में कोई क्या आज से मैं विड्रॉ में, हां आपने अभी डिपॉजिट किया हो चाहे कभी भी डिपॉजिट किया हो, विड्रॉ आपको तुरंत मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने 500 अभी डिपॉजिट किया होगा ना, तो भी विड्रॉ डाल दो, ऐसा नहीं कि आपको ट्रेड लेना जरूरी है, ट्रेड नहीं भी लिया तो भी चलेगा। नहीं, पर कार्ड के थ्रू एक सेकंड गणेश जी बोलिए, कार्ड के थ्रू मैंने डिपॉजिट किया था तो यूपीआई थ्रू नहीं ले सकता ना सर, कार्ड के थ्रू ले सकता नहीं? यूपीआई में ले सकते हो यार, ऐसा तो कोई नॉर्म्स मैंने पढ़ा नहीं कि आप कार्ड के थ्रू किया है, तो आप कार्ड के थ्रू भी ले सकते हो, लेकिन कार्ड के थ्रू सिर्फ उतना ले सकते हो जितना आपने डिपॉजिट किया है, यूपीआई में कितना भी ले सकते हो आप विड्रॉ, कोई इश्यू नहीं है। यही तो खास बात है ना यार इस मेथड की, आप कहीं से भी डिपॉजिट करो आप विड्रॉ ले सकते हो यूपीआई में, क्योंकि पहले क्या होता था, आप अगर कार्ड से डिपॉजिट करोगे तो कार्ड में ले सकते थे, और अगर आप एक्स्ट्रा अर्न कर लेते थे तो आपको स्क्रिल या पेटीएम या वो पेपाल या क्या ना नेटलर की जरूरत पड़ती थी।
लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब यूपीआई के थ्रू आप ले सकते हो, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, अमेजोन पे, और एक और था शायद कुछ, आप ले सकते हो सब में, भीम यूपीआई। तो आप जैसे यूपीआई के थ्रू, हाँ हाँ भूपेंद्र पूछे सर, जैसे आप यूपीआई के थ्रू विड्रॉ ले रहे हैं तो उसमें भी सर, अब इसमें भी कोई बैंक का इशू रहेगा सर जैसे? नहीं बिल्कुल नहीं रहेगा, ट्रांजेक्शन हो। मैं बस यही कह रहा हूँ, जो आपका जो है ना, आपका जो सवाल है वो वही सवाल है जो अभी पूछा था गणेश जी ने, कि अगर आप, और मैंने जवाब भी दिया था कि एक्चुअली क्या है ना भूपेंद्र, अगर आपका बैंक है वो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन को वैलिड करता है, आपके बैंक के पास, आप जिस ब्रांच से आपने ओपन किया है उस ब्रांच के पास एक स्विफ्ट कोड होना चाहिए, दैट्स इट। अगर ये दो कंडीशंस आपकी कंप्लीट है ना तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बिल्कुल सर। हाँ पता नहीं नेट ही चला गया था, मतलब स्क्रीन ऑटोमेटिकली सब क्लोज हो गया था, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। यार हम कहाँ पे थे, मैं भूल गया क्या टॉपिक पे थे हम, किससे बातें चल रही थी, ये अपना यूपीआई पेमेंट के रिगार्डिंग। यूपीआई सर पेमेंट, हाँ हाँ, तो यूपीआई पेमेंट का यार मैंने बता दिया ना सिंपल सा, कि बहुत अच्छी आ गया सिस्टम, और अब इसको ना डे बाय डे इम्प्रूव करते रहेंगे ये लोग, जहां तक कि मतलब डे बाय डे इम्प्रूव होगा। देखो मैं कोई श्योरिटी से नहीं कह सकता, तो ब्रांड वाले मेरे ऊपर आ जाएंगे, बोलेंगे भाई तूने ऐसा ऐसा क्यों बोल दिया, तेरे पास क्या प्रूफ है करके, लेकिन बस मैं इतना कह रहा हूँ कि ये चीजें इम्प्रूव हो सकती हैं, डे बाय डे इम्प्रूव भी होंगी। जैसे अभी अभी मान लो अगर 24 के आर के अंदर विड्रॉ आ रहा है, तो आने वाले टाइम में फिर 10 आर के अंदर भी आएगा बहुत जल्दी, क्योंकि अब क्या ना लोकल पेमेंट गेटवे आ गया, अब ऐसा नहीं कि अब बाहर से पैसों का इंतजार करना पड़ेगा ये सारी चीजें। अब मेरे ख्याल से एक वर्किंग डे या मैक्सिमम दो वर्किंग डे के अंदर आ जाता है आपके पास विड्रॉ, तो यूपीआई मेथड का तो आपको टेंशन नहीं है। अब एक एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं फिर खत्म करते हैं ऑडियो को, वीडियो को सारे, कि काफी लॉन्ग वीडियो चले जाते हैं ना, फिर व्यूअर्स सोचते भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। वैसे यार एक चीज मैं बोलना चाहूंगा यार, बहुत बहुत लाइक मैंने लाइक पहला ऐसा बंदा देखा, या फिर मैंने पहले ऐसे आदमी से बात करी जो इंडियन आर्मी से है और हमारे साथ जुड़े हुए यार, मतलब कहने का मतलब सब्सक्राइबर के बेसिस पे वैसे तो फैमिली में मेरे काफी है, मेरे दादाजी और नाना जी दोनों आर्मी में ही है वैसे तो, और तो वैसे तो ठीक है, लेकिन वैसे हमारे सब्सक्राइबर हैं इस तरीके से, मैंने पहली बार किसी से बात करी इंडियन आर्मी, बहुत प्राउड फील हो रहा है भाई सच्ची में। यार हम तो देख भूपेंद्र और हर्ष, हम तो इंजीनियर हैं यार, इंजीनियरिंग कर ली हमें तो, इंजीनियरिंग कर ली, लेकिन आर्मी में बहुत मुश्किल होता है भाई, बहुत 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 परेशान होना पड़ता है। एग्जाम भी बहुत पास कठिन होती है। बिल्कुल, एग्जाम पास करना भी बहुत मुश्किल होता है। मैंने 3 बार एनडीए का एग्जाम दिया भाई, 3 बार एनडीए का, और तीनों बार ही मेरा क्लियर नहीं हुआ, बता। तीन बार दिया और तीनों बार ही क्लियर नहीं हुआ, तो ऐसा करके तो मैं, मुझे पता है भाई बहुत मुश्किल होता है आर्मी, ट्रेनिंग ही बहुत मुश्किल होती है। मेरा एक फ्रेंड है, उसको कमांडो में सेलेक्ट हुआ था, पता नहीं इंटरनली सेलेक्ट हुआ था, वो बीच में से ही छोड़ के आ गया, कहता मेरे बस की बात ही नहीं है करके, बहुत मुश्किल ट्रेनिंग होती है भाई, बहुत मुश्किल होती है। तो इसीलिए बहुत अच्छा लग रहा है यार गणेश जी आप साथ में जुड़े हुए हो आज, और आपको भी थोड़ा इंटरेस्ट है इस चीज को भी देख के अच्छा लगा, क्योंकि काफी सारे लोग है ना इस चीज को अच्छा नहीं समझते, या लाइक डिजिटलाइजेशन हो रहा है इंडिया के अंदर, और ये सारी चीजें अब आने वाले टाइम में, अभी देखो कम्प्लीटली लीगल भी नहीं है, बट आने वाले टाइम में सारी चीजें लीगल भी होने वाली है जहां तक की पॉसिबिलिटीज है। अभी तो देखो एग्जैक्टली लीगल भी नहीं है, एग्जैक्टली इलीगल भी नहीं है, बट चल रहा है काम जैसा चल रहा है, बट एग्जैक्टली ऐसे कोई नॉर्म्स भी नहीं है जिसमें ये इलीगल भी है, एग्जैक्टली ऐसे कोई नॉर्म्स भी नहीं है जहां पे लीगल है, बट आप आने वाले टाइम्स में नॉर्म्स आएंगे तो ये डेफिनेटली लीगल ही होने वाला है। एग्जैक्टली जैसे क्रिप्टो करेंसी लीगल हो गया इंडिया के अंदर, अब क्रिप्टो करेंसी में आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो, है ना, बस वैसा ही। और किसी को कुछ पूछना है? हर्ष कॉपी पेन लेके लिख रहा है तो लिखे होंगे कुछ क्वेश्चन वगैरह। सर इमोशनल को कंट्रोल कैसे करें? इमोशनल कंट्रोल, इमोशनल ट्रेडिंग को कंट्रोल, इमोशनल ट्रेडिंग को कंट्रोल करो भाई। देखो मैं बताता हूँ क्या करना है, जैसे ही ट्रेडिंग का आपका टारगेट कंप्लीट होता है 1% वाला, उसके बाद फोन को रख दो स्विच ऑफ करके, फोन में एक मोड आता है आजकल, क्या बोलते हैं उसको, मैं देख के बताता हूँ अभी, मेरे फोन में भी है एक मोड आता है जिसमें हाँ जेन मोड करके बोलते हैं उसको, उसको दबा दो तो आपके मोबाइल में आप कुछ नहीं कर पाओगे फिर, और आप रख दो फोन को, नेक्स्ट डे ही चलाओ फिर उसे। अरे यार देखो मैं बताता हूँ सीन क्या होता है गाइस, कि अगर आप जैसे बार बार ट्रेडिंग करते रहते हो ना तो आप पूरा पैसा गवा देते हो। लोगों के दिमाग में क्या रहता है कि भाई अगर मैं आज जितनी ट्रेड करूंगा वैसे ही तो कल करूंगा, लेकिन एग्जैक्टली वो नहीं होता है,
आप एक फ्रेश माइंडसेट के साथ सेकंड डे स्टार्ट करते हो, और फर्स्ट डे जो आप स्टार्ट करते हो ना, आपने स्टार्ट किया एकदम फ्रेश माइंडसेट के साथ, आपने आपका पूरा प्रॉफिट का टारगेट कंप्लीट कर दिया। जैसे ही कंप्लीट कर दिया फिर आप सोचते हो भाई इतना तो मैंने ले लिया तो मैं और भी ले सकता हूँ, फिर वो आपका माइंडसेट ऐसा हो जाता है, वो लालच वाला आ जाता है, उसमें चलते चलते फिर लॉस भी हो जाता है आपका, यहाँ हो जाती है दिक्कतें। तो इसीलिए अगर इमोशनल ट्रेडिंग को कंट्रोल करना है ना, तो बस सिंपल सी बात है, किसी और टाइम मतलब एग्जैक्टली प्रॉफिट ले लिया आज का, उसके बाद किसी और चीज में मन लगा ले। क्योंकि एक्चुअली हर्ष क्या है ना, अगर तू एक बार ऐसा करके देखेगा ना, तो तेरे को महीने का 30% का प्रॉफिट मिलेगा, तो 30% कम नहीं है यार। अब देख 5000, अगर इन्होंने बोला 35,000 रुपए लगाए गणेश जी ने, तो 35,000 रुपए का 30% अगर कैलकुलेट करे तो देखो कितना होता है, लगभग 12-13 हजार रुपए। अगर तुम 35,000 रुपए किसी को ब्याज पे देते हो, समझने की कोशिश करना, इंटरेस्ट पे देते हो, तो उसका तुम्हें 10-12 हजार रुपए मंथली नहीं मिलेगा, रिटर्न नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आप निकाल सकते हो 35,000 का 10-12 हजार रुपए मंथली रिटर्न। लेकिन यार लोग क्या करते हैं ना, ज्यादा बनाने के चक्कर में उसको खत्म कर देते हैं। तो तुम ना एक तरीके से इसको एकदम फिक्स टारगेट पे लेके चलोगे तभी कुछ होगा। टाइम टू टाइम विड्रॉ लो, और डिपॉजिट अगर आपने वंस एक बार डिपॉजिट कर दिया तो टाइम टू टाइम विड्रॉ लो। विड्रॉ भी ऐसा नहीं कि आप रोज ही विड्रॉ डालने लग गए। एक आपने आज मान लो सपोज करो $500 की ट्रेड ले ली, और गणेश जी ने मान लो $500 की ट्रेड ले ली और तुक्के से जीत गए, तो बैलेंस हो गया इनका $900। तो ये सोच रहे भाई $700 का मैं रोज विड्रॉ ले लेता हूँ, ऐसा नहीं, हफ्ते में एक ही बार विड्रॉ लो अच्छा रहेगा। $200-$300 का ले लो, फिर नेक्स्ट वीक ले लो, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि एक विड्रॉ को प्रोसेस होने में भी काफी टाइम लग जाता है, कई बार एक दिन, कई बार दो दिन, कई बार तीन दिन, तो डिपेंड करता है ना वर्किंग डेज है या नहीं। तो इसीलिए तो अगर आप एक्चुअली सीधा प्लान से चलेगा ना हर्ष, तो यहाँ पे इधर कोई इमोशनल ट्रेडिंग वाली कॉन्सेप्ट बीच में नहीं आएगा। हर्ष कहाँ चला गया तू, लाइक सेटिस्फाई है आंसर के साथ या फिर और समझाऊं इमोशनल ट्रेडिंग के ऊपर? एक काम करा कर देख, जैसा ही मतलब इमोशनल ट्रेडिंग लगती है ना, जैसे ही मतलब तेरे को लगता है कि मेरा आज का प्रॉफिट कंप्लीट हो गया है, के बाद फोन पापा को दे दे या मम्मी को दे दे, सिंपल सी बात है, कह दे मेरे को मत ही देना आज। ऐसा करके फिर कल के $10 से $50 बनाए थे, फिर मैंने बोला कि और बना सकता हूँ, उसी दिन मैंने 50 पूरे पूरे चले। और सोच अगर तूने 10 से 50 बनाए थे तो $40 का विड्रॉल ले लेता, तो लेकिन तूने ये सोचा ना कि वो 10 से 50 बनाए तो 50 के 500 भी बना सकता हूँ, तो वही तो हो जाती है। अब देख सपोज तूने 10 के 50 बना लिए, इसका मतलब हो गया 400% का प्रॉफिट। गणेश जी का $500 का टारगेट वो है अकाउंट, तो अगर ये ऐसा कर ले तो इनका तो $2,000 बन जाता है 500 का, है ना। तो इसलिए ये बड़े अकाउंट के साथ ये पॉसिबल है, लेकिन छोटे अकाउंट के साथ पॉसिबल नहीं है। तो तूने अगर ऐसा कर दिया, इसका मतलब तेरे अंदर पेशेंस तो है लेकिन इतने भी ज्यादा नहीं है, मतलब कंट्रोल करने की अभी भी जरूरत है। क्योंकि देख तूने 10 के 50 बनाए, अब तेरे पास टोटल 50 है, अब उन तेरे को उस दिन का तेरे को टारगेट रखना था $2-$3-$4 मैक्सिमम, बस इतना रख लेता, उस दिन का प्रॉफिट मिला तो ऐसा कर करके उस 50 का तो 200 भी बना लेता धीरे धीरे करके। क्योंकि अगर देख ऐसा रहता है ना, अपन छोटा टारगेट रखते हैं तो लॉस भी छोटा होता है, ऑफकोर्स प्रॉफिट छोटा होगा लेकिन हम सेटिस्फाई है छोटे प्रॉफिट के साथ, लेकिन अगर लॉस बड़ा हो गया किसी दिन तो वो पूरा अकाउंट खाली कर देगा। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे ना गाइज एक चीज बताना चाहूंगा कि यार लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई तू क्यों ऐसा चीज कर रहा है, क्यों ऐसा वीडियो बना रहा है, क्या क्यों मतलब लोगों को बता रहा है ट्रेडिंग कर, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोगों का लॉस होता है। मैं बिल्कुल करेक्ट हूँ, मैं एग्री करता हूँ आप लोगों की बात से, क्योंकि ट्रेडिंग ऐसा बिजनेस है, यहाँ बहुत लोगों का लॉस होता है, लेकिन वो लॉस ही क्यों होता है ना, इसीलिए मैं यहाँ पे वीडियो बनाता हूँ कि लोगों को एटलीस्ट प्रॉफिट ना हो तो लॉस ना हो। क्योंकि भाई मैं भी बहुत लॉस कर चुका था स्टार्टिंग में, और लॉस करने के बाद समझ आया कि हम क्यों नहीं लॉस को कंट्रोल कर सकते, और हम कंट्रोल कर भी सकते हैं उस लॉस को, तो वो चीज बाद में समझ आई। बाद में एक छोटे से अकाउंट को बहुत बड़ा अकाउंट बना दिया था, तो वो चीज के बाद समझ आया कि नहीं भाई ये चीज अगर मैं लोगों को बताऊंगा तो बेनिफिट भी होगा लोगों को, एटलीस्ट जो लॉस करते हैं उन लोगों को फायदा हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे इसलिए यार गाइस, जो जिन लोगों को लगता है भाई ऐसा, तो फिर उन लोगों को बता रहा हूँ कि यहाँ पे ना मैं जो वीडियोज बनाता हूँ, मेरी हर एक वीडियो में एक चीज जरूर कॉमन रहती है, मैं ये चीज कहता हूँ कि भाई कम प्रॉफिट लो लेकिन लॉस मत लो। प्रॉफिट कम लो, ट्रेड्स कम ले लो, चाहे उस पर आप मार्जिन कम रखो, चाहे टारगेट छोटा रखो, मार्टिकल स्टेप्स मत फॉलो करो, लेकिन लॉस अगर जिस दिन होता है वो दिक्कत हो जाती है। अगर आप कम प्रॉफिट के साथ सेटिस्फाई हो तो इट्स ओके, लेकिन आप बड़े प्रॉफिट के लिए जाओगे तो ये ऐसा बिजनेस है ना, यहाँ पे आपको लॉस होगा ही होगा, नोबडी कैन स्टॉप यू, आपको लॉस होगा ही होगा। तो इसीलिए ये है रीजन, तो यहाँ पे बस प्रॉफिट छोटा रखो, टाइम से विड्रॉ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, आराम से चलते रहो। लेकिन अगर प्रॉफिट बढ़ेगी सोचोगे यार, ये देखो आप यही सोच लो खुद ही,
कि यार जब हम जॉब करते हैं ना तो अपने को महीने की 20-25 हजार रुपए सैलरी मिलती है, जब पूरे महीने जॉब करते हैं 30 दिन, पूरे 30 दिन 9 to 5 जॉब करते हैं तब जाके 20-25 हजार रुपए सैलरी मिलती है। तो हम ट्रेडिंग से ये सोचते हैं कि भाई ये जो ट्रेडिंग है इससे हम एक दिन में वो 20-25 हजार रुपए कमा लें, तो यार वो पॉसिबल है क्या? वो पॉसिबल नहीं है। आप ये सोचोगे कि एक महीने में 20-25 हजार रुपए कमा लें वो पॉसिबल है, लेकिन अगर आपका दिमाग में ये आ गई भाई मेरे पास तो 35 हजार रुपए पड़े, मेरे पास 40 हजार रुपए पड़े, जैसे गणेश जी के दिमाग में भी अभी आ रही है थोड़ा 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 मेरे पास 35-40 हजार रुपए पड़े तो मैं उसको इन्वेस्ट करके बहुत ज्यादा कर लूं, एक दिन में 1 लाख कर लूं, हो सकते हैं 1 लाख एक दिन में, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन हो सकता है वो 35 का जीरो भी हो जाए, है ना। तो इसलिए 35 का अगर अपन 35 के 40 करेंगे वो बढ़िया है या 35 के जीरो करेंगे वो बढ़िया है, तो इसीलिए धीरे धीरे चलेंगे तो वो ठीक रहता है, इसीलिए मैं ये चीज कहता हूँ। ठीक है गणेश जी, मुझे लगता है आज आप अच्छे से समझ गए होंगे और अब आपको पता लग गया होगा कि आपका इन्वेस्टमेंट को आपको कैसे ध्यान में चल के रखते हुए यूज करना है। बाकी तो भूपेंद्र और हर्ष तो यार हम लोग तो इंजीनियर ही है, हम लोग तो जुगाड़ निकाल ही लेते हैं, लास्ट नाइट पढ़ने वाले लोग हैं, एक रात में पढ़ के पेपर क्लियर करते हैं, एक रात में पढ़ के काफी पेपर क्लियर किए यार भाई सच्ची में, ऐसा ही होता है। हाँ मतलब पेपर पता लगता भाई कल पेपर है करके, तो फिर रात को बैठते थे, रात को बैठते थे भी नहीं बैठते थे, शाम को पहले कोशिश करते थे दिन में, फिर सो जाते थे, फिर रात को 6-7 बजे के आसपास बैठते थे शाम को, फिर 11 बजे के बाद सोते थे, 3 बजे उठते थे फिर बैठते थे वापस। चलो यार फिर अब और कोई किसी को क्वेश्चन है मेजर तो पूछते हैं फिर इसको एंड करते हैं, क्योंकि लगभग मेरे ख्याल 30-40 मिनट की तो हो गई होगी वीडियो। जी सर हाँ ठीक है गणेश जी, और कुछ आपको अगर पूछना है तो पूछिए, नहीं तो फिर अब बंद करते हैं। हाँ जी हाँ जी, नहीं सर बस थैंक यू सर। अरे अरे यार एक सर, हाँ हाँ जी हाँ जी पूछिए। हाँ जी गणेश जी पूछिए, मतलब एक भी हो आप उसमें मिनिमम आप $1 की ट्रेड लेते हैं उसमें, मतलब उसमें आप ज्यादा ट्रेड की डॉलर क्यों नहीं लेते, ज्यादा इसके डॉलर की ट्रेड? जो सिग्नल ग्रुप है जिसके बारे में बात कर रहे हो, तो मैं $1 किस लिए लेता हूँ ना, देखो यार मैं अपने पर्सनल अकाउंट की बात करूँ, मेरे पर्सनल अकाउंट में ऑलमोस्ट $8,000 है अभी, लेकिन मैं सिर्फ $1 की ट्रेड लेता हूँ वहां भी। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि आज अगर मैं $1 की, आज अगर मेरा बुरा दिन होता है और मैं कंटिन्यूअसली 15 ट्रेड लॉस कर गया, क्योंकि यहाँ पे ना कोई कंट्रोल नहीं किसी का मार्केट के ऊपर, आप 15 ट्रेड भी लॉस कर सकते हो कंटिन्यूअसली, तो मैं अपने आप को ना हमेशा वर्स्ट कंडीशंस के लिए प्रिपेयर करता हूँ, मतलब बुरे से बुरा तुम्हारे साथ क्या हो सकता है, ये तो अच्छा तो होगा ही तुम्हारे साथ, अच्छा का मतलब आज तुम 1 विन कर गए, 2 विन कर गए, दैट्स इट, कंटिन्यूअसली तुम 5 भी विन कर सकते हो, 10 भी विन कर सकते हो, लेकिन जब हम एक दिन हमारे साथ ऐसा आएगा जिस दिन हम कंटिन्यूअसली 8 विन लॉस करेंगे, 10 लॉस करेंगे और मार्टिकल को फॉलो कर दिया तो सब खत्म, पूरा बैलेंस खत्म। इसलिए मैं $1 की ट्रेड लेता हूँ ताकि छोटा प्रॉफिट रखता हूँ लेकिन लॉस के चांसेस कम रखता हूँ। अब $1 का टारगेट रखते हैं, $1 की ट्रेड लेते हैं, धीरे धीरे करके $1 की ट्रेड से आप 15-20-25 डॉलर दिन के निकाल लिए, दैट्स इट, कितना बहुत है। लेकिन ऐसा रहता ना, एक दिन मेरे साथ हुआ था कंटिन्यूअसली 8 ट्रेड में लॉस में गया था, तो वहां पे मैंने मार्टिकल फॉलो किया था, 8 ट्रेड्स पे मैंने मार्टिकल फॉलो किया था, पहली ट्रेड थी मेरी 1 की, दूसरी 2 की, देन 5, देन 11, देन 26, देन 52, देन 10, 110 एंड देन $250 की, तो वो $250 वाली ट्रेड में विन कर गया था। तो यहाँ पे देखो, अगर मेरे पास 8,000 का अकाउंट है और मैं $250 तक भी मार्टिकल पे जा रहा हूँ, वो भी 8 ट्रेड लॉस पे, तो भी कोई बड़ी बात थोड़ी है, मतलब 250 के तो मैं ले ही सकता हूँ जब इतना बड़ा अकाउंट है। तो यहाँ पे ना वर्स्ट कंडीशन के लिए आपको प्रिपेयर रहना होता है, इसलिए मैं छोटे से छोटे ट्रेड लेता हूँ, अदरवाइज मैं भी चाहूँ तो 500 की भी ले लूँ, 1,000 की भी ले लूँ, लेकिन मुझे पता है कि अगर मैं 5-7 भी हारा तो मेरा पूरा बैलेंस गया, तो उसी लिए मैं लोगों को जो समझाता हूँ, अगर मैं वो खुद ही नहीं करूंगा तो फायदा क्या फिर उस चीज का। तो $1 की ट्रेड इसीलिए लेता हूं मैं, क्योंकि हाँ एक चीज है यार, क्योंकि जो व्यूअर्स होते हैं ना, जो ऑडियंस होती है, वो लोगों को समझ नहीं आता जब मैं $1 की ट्रेड लेता हूँ ना, तो सोचते कि अरे भाई ये तो गरीब आदमी यार एकदम $1 की ट्रेड लेता है, इसको क्यों फॉलो करे करके। अब उनको ये नहीं पता कि भाई तुम खुद बड़े बड़े डॉलर की ट्रेड लेके देखो, 1 महीने बाद तुम रोड पे नहीं आ गए तो तुम बता देना मुझे। हालांकि बहुत सारे लोग है जो लेते भी है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा किसी का, बहुत सारे लोग है जो दिखाते हैं लेते हैं, लेकिन मैं इतना जरूर बोलना चाहूंगा कि चलो आपके पास बैलेंस है, हाँ YouTube पे बहुत है, आपके पास बैलेंस है तो आप ले रहे हो, लेकिन जनता के पास बैलेंस नहीं है, जनता कहाँ से लेगी, वो समझाओ लोगों को, है ना। आपके पास है आप ले लो,
आपके पास बहुत बड़ा बैलेंस है, आप लेते रहो, लेकिन किसी के पास इतना बैलेंस नहीं होता कि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट, क्योंकि वो सिर्फ यहाँ पे ना बड़ा इन्वेस्टमेंट वो करता है जो थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए सोचता है। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए सोचोगे तो छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करोगे, $50 $100 का ना, अगर आप बहुत लंबा सोचोगे तो आप 500,000 तक जाओगे। तो वो ही चीज है जब आपके पास, और एक चीज बताऊंगा यार गाइस, वीडियो अगर आप अभी तक देख रहे हो तो यार यहाँ पे ना जो ट्रेडिंग है उसमें रिस्क इन्वॉल्व होती है, तो यहाँ पे अगर आप फाइनेंशियली कैपेबल नहीं हो उस रिस्क को बर्डन करने के लिए, हैंडल करने के लिए, तो यहाँ पे इन्वेस्ट मत करना। मतलब कहने का मतलब है सिंपल सा कि अगर आपके पास कोई पैसा है जिसका आपको रिटर्न चाहिए तो आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा पैसा है जो आप चाहते हो कि, जो आपको पता है कि अगर ये पैसा मेरा गया तो मैं बहुत नुकसान में आ जाऊंगा या मेरा बहुत लॉस हो जाएगा फाइनेंशियली, तो आप उस पैसे को मत यूज करो। सपोज करो आपके पास पॉकेट मनी है, आप उसका रिटर्न लेना चाहते हो तो यहाँ यूज कर लो। आपके पास कोई सेविंग है, ऐसी सेविंग है जो आपके पास गई भी तो कोई दिक्कत नहीं, तो वो यहाँ पे यूज करो। ऐसा नहीं कि आपका घर का पैसा है, कोई उधार लेके आप यूज कर रहे हो, वो सब मत करना भाई। किसी से भी लोन लान लेके यहाँ पे इन्वेस्ट मत करना, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ और अभी बता रहा हूँ, ठीक है। तो वीडियो देख रहे हैं उन लोगों को मैं जरूर कहना चाहूंगा ये सारी चीजें कि भाई नहीं, ये चीज मत करना, कोई लोन लेके यहाँ पे इन्वेस्ट मत करना। बिजनेस में, मार्केट में रिस्क इन्वॉल्व होती है, ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखना। हाँ हर्ष, तेरा पेन बड़ा घूम रहा है, बता क्या सीन है तेरा? बता, पेन पेन घूम रहा है तेरा, तो मुझे लगता है कुछ तो क्वेश्चन है तेरे दिमाग में। आपने वीडियो बना लिए सारे, इसलिए कोई कर। अच्छा, अरे नहीं, एक्चुअली अभी तो मेरे दिमाग में काफी सारी चीजें है भाई। हेलो, क्या वापस वीडियो कैसे अटक गया? ये मेरा इंटरनेट कनेक्शन स्लो है, आप सबका इंटरनेट कनेक्शन स्लो है, मेरा ही लगता है मुझे तो भाई। हाँ, तो मैं कह रहा था हर्ष, कैन यू हियर मी गाइस, कैन यू हियर मी? यार क्या हो गया था पता नहीं यार, आज इंटरनेट को क्या हो रहा है। हाँ, तो हर्ष मैं क्या कह रहा था, तू कुछ पूछा था हर्ष, आई थिंक मैंने स्किप कर दी वो चीज, क्या पूछा था? सर आज जितने भी वीडियो मैंने देख लिए इसलिए अब पता सब कुछ चल रहा है। अच्छा अच्छा, तो यार यही चीज है, आप देख इतने सारे वीडियो सुने देखे होंगे, तो मैं हर एक वीडियो में ये चीज लोगों को बोलता हूँ कि इन्वेस्टमेंट स्लो रखो, है ना। हाँ, पहले की वीडियोस में शायद किसी में कुछ होगा, बट अब जो है ना चीजें चेंज होती रहती है। अब भूपेंद्र कुछ पूछ रहे हो यार आप? ओवर टू भूपेंद्र। ये पूछ रहा हूँ मैं, जैसे कि आपने मतलब जब, यस सर, आपने स्टार्टिंग की थी ट्रेडिंग की, तो आपको सर क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी? तो भाई सीन ये था, बताता हूँ कि क्या हुआ था। मैं करता था जॉब, मेरी जॉब लग गई थी नोएडा की साइड में, तो मैं जॉब करता था, तो मेरा एक दोस्त ट्रेडिंग करता था ऑलिम ट्रेड के अंदर, है ना। उसने अपनी पूरी सैलरी लगा दी उसके अंदर, उस टाइम पे किसी ऑयल पे उसने बिड लिया था, और शायद फॉरेक्स में लिया था मेरे ख्याल से, ऑयल पे या फॉरेक्स में लिया था या बाइनरी पे लिया था, शायद 5-6 महीने 1 साल पहले की बात है। तो उसने क्या किया था, वो अपनी मतलब उसने प्रॉफिट कर लिया था वहां से, फिर मेरे को दिखा रहा था, देख भाई मैंने अपना इतना पैसा लगा के इतना अर्न कर लिया। तो मैंने बोला कि भाई ये कैसे पॉसिबल है भाई, ऐसा कैसे हो सकता। तो फिर मैंने भी अपनी सैलरी लगा दी और मेरे पूरी सैलरी चली गई थी उससे। तो फिर मेरे दिमाग में फिर मैंने बोला कि अबे यार मैंने 20,000 रुपए लगाए, उस टाइम पे 20-22,000 सैलरी थी। मैंने बोला यार तूने मेरा पूरा सैलरी खराब करवा दिया। तो उसने बोला कि भाई मैंने बताया था तेरे को रिस्क है करके। तो मैंने बोला कि ठीक है रिस्क तो था, लेकिन मैंने क्या किया था, तुक्के में लगा दी थी सारा, मैंने कोई स्ट्रेटजी नहीं यूज की थी, सब तुक्के तक्के में लगा दिए थे। उसके बाद समझ आया कि भाई नहीं, यहाँ पे स्ट्रेटजीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ऐसा। तो उसके बाद मैंने ध्यान दिया, लेकिन उसके बाद मैंने ये चीजें सोची। हाँ सर गाइज, उसके बाद ना हर्ष मैंने ये चीज सोची कि भाई मैं लॉस कैसे कर गया करके मैंने काफी सोचा। तो फिर मैंने ध्यान दिया यार इसमें सिर्फ पैसे लगाने से नहीं होता, बहुत सारी चीजें देखनी होती है। फिर उस पे काम कर दिया, मैंने जॉब छोड़ दी थी अपनी, फिर उस पे काम करना स्टार्ट कर दिया था। तो घर वाले प्रेशर कर रहे थे भाई आर्मी के लिए तैयारी कर, आर्मी के लिए तैयारी कर, मैं साथ साथ वो भी कर रहा था नाम 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 के लिए बताने के लिए करके, लेकिन पीछे मैं ये कर रहा था काम कि भाई मेरा इंटरेस्ट था इसी में, तो मैं इसी में लगा हुआ था। तो क्योंकि मेरी जो हाइट है वो 6'5", 11", तो अच्छी हाइट थी, फिजिक भी ठीक ठाक थी करके। तो उसके बाद क्या ना मेरा काफी लॉस हुआ,
तो लॉस के बाद मैंने फिर ध्यान देना स्टार्ट किया, तो मेरे को लगा कि यार मेरे जैसे काफी सारे लोग लॉस करते हैं इसमें, तो फिर मैंने तरीके ढूंढने स्टार्ट किए कि एटलीस्ट आप अपने लॉस को प्रॉफिट में ना कन्वर्ट कर सको, लेकिन लॉस को मिनिमाइज जरूर कर सको, मतलब जितना आपको लॉस हो रहा है उससे कम लॉस हो आपको, ये चीज मैंने ध्यान देने पे स्टार्ट किया कि अभी जितना लॉस हो रहा है उससे कम लॉस कैसे हो सकता है लोगों को। तो फिर मैंने वीडियोस बनाने स्टार्ट किया, मैंने सोचा कि यार देखते हैं, ट्राई मारते हैं अपने लक को कि क्या होता है लोगों तक पहुंच जाए, और फिर पता नहीं कैसे ज्यादा लोगों के पास पहुंचती गई वो चीजें, और थोड़ा बहुत हो गया अभी यूट्यूब पे, और यूट्यूब के थ्रू अब चीजें चलने भी लग गई है करके ऐसा हुआ था। मतलब मेरी स्टार्टिंग में काफी लॉस था, लॉस को मिनिमाइज करने की मैंने कोशिश की थी और मैं काफी हद तक कामयाब भी हो गया था, तो मेरे को लगा ये चीज मुझे आप लोगों तक पहुंचानी चाहिए, तो फिर मैंने स्टार्ट कर दिया था, और धीरे धीरे प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस से सारी चीजें हो जाती है। बिल्कुल, हाँ भूपेंद्र कुछ पूछ रहे थे यार आप। भूपेंद्र कैन यू हियर मी? सारी आवाज। अच्छा हाँ हाँ पूछिए पूछिए आप कुछ। हाँ आ रही आ रही आ रही आ रही आ रही आ रही। इसमें मतलब आपने कितना मतलब क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी आपको स्टार्टिंग में, जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी? देखो जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी ना, तो एक चीज तो आ गई थी मेरे दिमाग में, तो एक चीज तो आ गई थी यहाँ पे छोटे इन्वेस्टमेंट से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट चाहिए बड़ा, छोटे इन्वेस्टमेंट से काम नहीं चलेगा, आप इन्वेस्टमेंट चाहिए बड़ा। फिर मैंने ये सोचा कि भाई बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो मेरे पास पैसे नहीं थे उस टाइम पे, ना मेरे पास जॉब थी, मैं छोटी सी चीज पे लग गया था, घर वालों से भी पैसे नहीं ले सकता था, तो बस वो चीज मेरे पास सबसे बड़ी लैक की थी। तब मेरे दिमाग में सनक गई थी एक चीज कि भाई मेरे पास अभी छोटा बैलेंस है और इसको बहुत ऊपर तक लेके जाऊंगा। स्टार्ट किया था मैंने $100 से, उसको मैं कुछ हजार तक लेके गया था, शायद 3,000 या 4,000 तक। तो मेरे दिमाग में आ गई थी नहीं भाई अपन इस चीज में कुछ कर सकते हैं, तो हाँ तो मैंने 100 से स्टार्ट किया था। जैसे तैसे पैसे मैंने मुझे सेव किए थे, मैंने पैसे अपनी पॉकेट मनी थे, लेकिन ऐसे पैसे थे वो कि अगर मैं जाते भी तो कोई बात नहीं, तो उस पैसे को मैंने इन्वेस्ट करके उसको कुछ 2-3 हजार तक मेरे ख्याल से मैं लेके गया था धीरे धीरे करके। और जब मैं लेके गया था तब समझ आ गई थी चीजें कि नहीं ये चीजें पॉसिबल है, जिसमें से मैंने एक वीडियो भी अपलोड की थी, $100 से $200 मैंने 2 दिन में पहुंचाए थे, वो भी सिर्फ एक $2 की ट्रेड लेके। वो चीजें मैंने एक वीडियो भी अपलोड की थी इस रिगार्डिंग, तो ऐसा करके ये प्रॉब्लम तो बहुत फेस हुई थी भाई स्टार्टिंग में, तो क्या क्या बताऊं अब, किसी सेपरेट वीडियो में समझाऊंगा, अपनी लाइफ भी थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी रही है यार करके। यार हेलो यार गाइस, पता नहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही है यार इंटरनेट कनेक्टिविटी में, आई डोंट नो व्हाट हैव या क्या बोलते हैं आप। ठीक है यार, फिर गाइज स्टार्ट कर, मतलब और कभी मुलाकात करेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे ही मिल लेंगे, ठीक है। और मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? मेरी आवाज आ रही है क्या गाइज आप लोगों को? लॉकडाउन के चक्कर, थैंक यू, लॉकडाउन के चक्कर में क्या, लॉकडाउन के चक्कर से सर ये इंटरनेट का कनेक्शन भी मतलब बहुत स्लो हो गया, ये वर्क नहीं करता सर, बहुत प्रॉब्लम है एक्चुअली। भाई मैं कभी गांव में हूँ यार, और गांव में हूँ तो इस वजह से यहाँ पे और भी प्रॉब्लम है इंटरनेट कनेक्टिविटी की, ठीक है। तो यार चल, आज की जो वीडियो है वो यहीं पे हम एंड करते हैं गाइज, और उम्मीद करता हूँ काफी सारी चीजें आप सबको, हम सबके एक्सपीरियंस से सीखने को जरूर मिली होंगी, क्योंकि आज बहुत सारे क्वेश्चन एंड आंसर कवर हुए हैं। लास्ट तक अगर आपने वीडियो देखी है तो हैशटैग टेक्निकल अभी कमेंट में मत लिखना भूलना, और लाइक कर देना यार वीडियो को, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हमारे साथ गणेश जी थे, भूपेंद्र और हर्ष, तो यार थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग अस, फॉर ज्वाइनिंग अस फॉर टुडेज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग Q&A। सो गाइज मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एंड फॉर टुडेज वीडियो थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल दी एंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड।